हेलो एवरीवन, किड्स गार्डन ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने क्लास 8 का ही चैप्टर 6 मैथ बुक की शुरू किया था हम लोगों ने उसको, ठीक है। तो 6.1 की सॉल्यूशन को हम लोगों ने 4 नंबर तक देख लिया था, ठीक है। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट चेकआउट कीजिए, आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। आज हम लोग 5 और 6 नंबर के सॉल्यूशन देखेंगे। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस इसमें दिए हुए हैं जिसको हमें ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है, तो कैसे करते हैं ये हम लोग आज सीखेंगे, ठीक है। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिल जाए, ठीक है। चलिए अब हम लोग अपनी क्लास शुरू करते हैं। और एक बात कि मेरे चैनल पे आपको और भी दूसरे सब्जेक्ट की वीडियो मिल जाएंगी जो आपके स्टडी में काफ़ी हेल्पफुल होंगी, सो प्लीज़ आपको आप लोग उसको यूटिलाइज़ कीजिए, ओके। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारी क्लास। देखिए क्वेश्चन है हमारा कि 2 - a x + 3 और 3x, ठीक है। इन सारे को हमें ऐड करना है, ठीक है। ऐड करने के लिए तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, देखिए 2 - a प्लस, देखिए जैसे ही ये एक नंबर है तो इसको हमने ब्रैकेट में बंद कर दिया, ठीक है। ऐसे करने से क्या होता है कि हमें जब साइन चेंज करने होते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होता। अदरवाइज़ हम लोग क्या करते हैं, जहाँ प्लस होगा वहाँ माइनस कभी कभी हो जाता है, और इसी वजह से प्लस माइनस की वजह से ही गलती हो जाती है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जो भी ये एक संख्या है, ये एक संख्या और ये एक संख्या, तो तीनों को हमने ब्रैकेट में अलग अलग कर दिया। ये एक ही डिजिट थे तो इसको हमने ऐसे ही रहने दिया, ठीक है। उसके बाद 2 - a प्लस प्लस, तो प्लस हो जाएंगे एक्स, प्लस प्लस तो प्लस 3, और ये तो प्लस 3x था ही। तो अब यहाँ पे हम लोग देखिए जो भी सेम कैटेगरी के होंगे वो उसके साथ ऐड हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए 2 है प्लस में और 3 है प्लस में, तो 3 2 हो जाएंगे हमारे 5। माइनस a है तो वैसे ही रह जाएगा, और यहाँ पे देखिए x है और 3x है, तो 3 और x और वो एक्स हो जाएंगे हमारे 4x। बस हो गया हमारा आंसर, ठीक है। हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, बी नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और उसके बाद है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और हमारा जो तीसरा है नंबर वो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये सारे नंबर्स को हमें ऐड करने, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को हमने लिख लिया, प्लस इनको हम एक साथ ऐसे कर लेंगे, उसके बाद बीच में प्लस का साइन, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर, फिर बीच में प्लस, फिर ए स्क्वायर, फिर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को हमने लिख लिया, फिर प्लस 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 ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस सी स्क्वायर, फिर यहाँ पे प्लस 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 ए स्क्वायर प्लस 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 बी स्क्वायर प्लस 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 2ab। अब जो भी सेम कैटेगरी के होंगे हमें उन्हें साथ में ऐड कर देना है। यहाँ पे ए स्क्वायर ए स्क्वायर और यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर, तो यानी कि 3 ए स्क्वायर हो जाएंगे। उसके बाद बी स्क्वायर, फिर यहाँ पे बी स्क्वायर, लेकिन देखिए ये प्लस और ये माइनस है तो ये कट जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक बी स्क्वायर तब बच जाते हैं, तो ये वहाँ पे बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सी स्क्वायर, फिर यहाँ पे सी स्क्वायर, देखिए एक प्लस और एक माइनस है तो ये कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद हमारा देखिए यहाँ पे क्या बच जाता है, 2ab, तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्लस 2ab, ठीक है। ये हो गए हमारे आंसर, ठीक है। ये बी नंबर की सोल्यूशन हो गई। उसके बाद सी नंबर हम लोग देखिए कैसे बनाते हैं, एल का स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर, एम का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर, और दिया हुआ है एल का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर, ठीक है। तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, अगर सारे प्लस में हैं तब तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बस प्रॉब्लम जब माइनस रहता है तभी दिक्कत है, क्योंकि वहाँ पे साइन जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको प्लस हो जाएंगे एल स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर, ठीक है। एल स्क्वायर यानी कि 2l स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, एम स्क्वायर 2m स्क्वायर, और एन स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर। यहाँ पे देखिए 2 तीनों में आ रहा है, तो 2 को हम लोग क्या करेंगे, कॉमन निकाल सकते हैं, और इसको एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर, ठीक है। उसी तरह से जो हमारा डी नंबर है, चलिए हम लोग उसको देख लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस ए बी, बी स्क्वायर माइनस बी सी, और सी स्क्वायर माइनस सी ए, ठीक है।
ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस सी ए। अब ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस 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 बी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस बी सी प्लस 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 सी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस सी ए। और फिर ए स्क्वायर है, फिर देखिए और कहीं भी ए स्क्वायर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो ए स्क्वायर हम लोग वैसे रहने देंगे। ए बी और यहाँ पे देखिए बी सी है और सी ए है, तो यहाँ पे देखिए ये एक तरह से इस तरह से हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, इसको हमने बस अरेंज कर दिया है। ठीक है, ये कुछ भी सिमिलर नहीं थे तो इसलिए ये आपस में ऐड नहीं हुए। ठीक ना, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि यहाँ देखिए क्वेश्चन है हमारा कि इतना में से इतना घटाइए। ठीक है, यहाँ पे हमें माइनस करने हैं, तो हम माइनस कैसे करेंगे देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर का ए 3x स्क्वायर माइनस 9xy प्लस 3 है, इसमें से हमें घटाने हैं यानी कि माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7xy माइनस 1। ठीक है, उसी तरह से हम लोग करेंगे 3x स्क्वायर माइनस 9xy प्लस 3 माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 7xy माइनस माइनस हो जाएंगे हमारे प्लस। ठीक है, अब 3x स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, लेकिन ये देखिए प्लस में है ये माइनस में है, तो एक हो जाएंगे इससे माइनस हो जाएंगे, मतलब 3 में 1 माइनस हो जाएगा यानी कि 2x स्क्वायर हो जाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे 9xy माइनस में और 7xy माइनस में, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे और माइनस का साइन लग जाएगा। 7 और 9 जुड़ करके हो जाएंगे 16xy प्लस 3 है प्लस 1 है तो हो जाएंगे प्लस 4। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। उसके बाद हम लोग बी नंबर के सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर और जो यहाँ पे दिया हुआ ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी के स्क्वायर के योगफल में से इन दोनों को हमें करना है ऐड। ठीक है, योगफल में से इन दोनों का योगफल निकालना है हमें, और योगफल का मतलब होता है ऐड। तो हम इसको ऐड कर लेंगे कि योगफल में से इसको माइनस करना है 3a स्क्वायर प्लस 3b का स्क्वायर, इसको घटाना था। ठीक है, इन दोनों के योगफल में से इसको घटाना था। ठीक है, तो दोनों को हमने पहले ऐड कर लिया, फिर बाद में इसको माइनस कर देंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर माइनस 3b का स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर ठीक है, तो ए स्क्वायर देखिए आप चाहो तो इसको एक लाइन में भी सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो फिर क्या करो कि आप पहले जोड़ लो फिर बाद में आप घटा सकते हो। देखिए ए स्क्वायर और ए स्क्वायर को हमने यहाँ पे ऐड कर लिया, 2 ए स्क्वायर माइनस 3 ए स्क्वायर था तो उसको साथ में लिख दिया। ठीक है, इसको बाद में हम लोग घटा सकते हैं। फिर देखिए माइनस 2ab है और प्लस 2ab है, तो ये तो सीधा सीधा कैंसिल हो रहा है प्लस और माइनस है, तो b का स्क्वायर और यहाँ पे 3b का स्क्वायर यानी कि प्लस 2b का स्क्वायर माइनस 3b का स्क्वायर। उसके बाद क्या बच रहे हैं? कुछ भी नहीं बच रहा है। ठीक है, अब हम लोग इसको माइनस कर देंगे, 2a स्क्वायर में 3a स्क्वायर माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? देखिए जो बड़ा वाला नंबर है उसमें हम लोग छोटे वाले को घटा देंगे और साइन होता है किसका? जो बड़ा है उसका, यानी कि माइनस a का स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह से ये भी माइनस b का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया आपके फाइनल आंसर। ठीक है, सी नंबर का जो क्वेश्चन है हमारा कि एल का स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर प्लस 2lm प्लस 2mn प्लस 2ln में से कितना घटाया जाए कि आंसर जो है कितना घटाया यहाँ पे जाए कि हमें एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्राप्त हो। ठीक है, देखिए जब भी इस तरह के क्वेश्चंस होंगे तो आप दो मिनट के लिए कंफ्यूज हो सकते हैं कि यहाँ पे हमें करने क्या हैं,
तो यहाँ पे आपको सिंपल वे में बस ये सोचना है कि क्वेश्चन जो है हम सेम पैटर्न पे उसको डिजिट्स में सोचेंगे, ठीक है। जैसे हमारा क्वेश्चन है कि इसमें से क्या घटाया जाए कि इतना मिले। अब सपोज कीजिए हमसे पूछा जाए कि 5 में से क्या घटाया जाए कि हमें 2 मिले, तो हम लोग फटाफट आंसर कर देते हैं कि इस जगह 3 हो जाएगा, ठीक है। 5 में हम 3 घटाएंगे तो हमें 2 मिले, तो ये 3 हमें कहाँ से मिले, तो हमने क्या किया इस वाले नंबर में इस वाले नंबर को माइनस किया तो हमें 3 मिल गया, ठीक है। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे भी, इस वाला जो नंबर है इसमें हमें ये वाले नंबर माइनस कर देना है, ठीक है। यानी कि एल का स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर प्लस 2LM प्लस 2MN प्लस 2LN माइनस करना है ये वाला नंबर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर, ठीक है। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर प्लस 2LM प्लस 2MN प्लस 2LN माइनस एल का स्क्वायर माइनस एम का स्क्वायर माइनस एन का स्क्वायर, ठीक है। एल स्क्वायर कैंसिल हो गया, प्लस माइनस था, एम स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे क्या बच गए 2LN एम है प्लस 2MN प्लस 2LN, और इन सारे में 2 कॉमन है तो 2 को हम लोगों ने बाहर कर लिया, LM प्लस MN प्लस LN, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अगर आपको वीडियोस पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।